आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्री और सेक्टर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंडस्ट्री वो ग्रुप हैं जो मिलते हैं, लाइक मिलती जुलती प्रोडक्ट को बनाते हैं या मिलती जुलती सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। लाइक सिर्फ एक मार्केट को वो टारगेट करते हैं, उन किसानों की नीश जो है, उन किसानों की जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है। इसका मतलब क्या है कि उधर काफ़ी जो लोग हैं वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रहे हैं। 10-15-20-30 लोग हैं, उनकी कंपनी या बिज़नेस है प्लास्टिक का। तो उन सारों को जब हम देखेंगे एक ही वर्ड में, अगर देखें तो हम बोलेंगे ये प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज है। डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको मिला के हम बोलते हैं ये इंडस्ट्री है इस चीज़ की, मतलब एक प्रोडक्ट की या एक मिलती जुलती प्रोडक्ट की या एक उनकी मार्केट है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। अभी सेक्टर क्या होता है? सेक्टर थोड़ा सा इंडस्ट्री से ब्रॉड लेवल की बात करता है, ब्रॉड कैटेगरी होती है। इंडस्ट्री तो आ गई ना, एक छोटे से एरिया में लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने बोला कि यार ये इस चीज़ की इंडस्ट्री है, बट सेक्टर जो है होल एरियाज़ को, होल इंडस्ट्रीज़ को कवर करता है। अगर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसका मतलब है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं ये उन सारों की बात कर रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, ठीक है, आयरन मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो भी आ जाती हैं, एसेसरीज़ आ जाती हैं, एसेसरीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो आ जाती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, फूड से रिलेटिव जो आइटम्स हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी वो आ जाती हैं। ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारों को मिला के हम बोलेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो मतलब सेक्टर का मतलब हो गया कि जो इंडस्ट्रीज़ से भी ऊपर की कैटेगरी है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अभी आगे इनके डिफरेंस देखते हैं कि करके जो इंडस्ट्री है ना, सिंपल वर्ड में वो एक ही पार्ट पे, एक ही प्रोडक्ट पे जो है फोकस करती है और उसकी ग्रोथ के ऊपर ही काम करती है। बट सेक्टर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो पार्ट्स हैं, जो उनके इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं उसके ऊपर काम करता है। इंडस्ट्री जो है सिंपल जो उसका देखें प्रोडक्ट ही एक है या उनकी नीच ही एक है, वो सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। बट जो सेक्टर है वो ऑल जो मैन्युफैक्चरिंग, लाइक जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अगर वो बात करेगा तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बन रही हैं उन सारों की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करेगा, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ में बेहतर लाने की कोशिश करेगा। मतलब बात आ गई ना ब्रॉड लेवल की। तो इंडस्ट्रीज़ में जो रेगुलेटरी चेंज जो है बहुत स्पेसिफिक होता है, बट सेक्टर में जो है रेगुलेटरी चेंज बहुत वाइड होती है, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल के तौर में जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या होगा कि डिफरेंट हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, उसमें फार्मेसी आ जाएगी, उसमें हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, उसमें क्लिनिक आ जाएंगे, ठीक है। पर बट इंडस्ट्री की बात करें तो अभी हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड काम हो रहा है, फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, फार्मेसी की सप्लाइंग का काम हो रहा है, मेडिसिन पर फोकस किया जाता है। इसी तरह अगर हम हेल्थ केयर की बात करेंगे तो वो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, मेडिसिन भी आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगी, उसके बाद हेल्थ केयर सेंटर्स भी आ जाएंगे, हेल्थ केयर की सर्विसेज भी आ जाएंगी, ठीक है। उसमें लोगों को जो नॉलेज देना है, टेक्नोलॉजी मशीनरीज लानी है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, वो भी आ जाएंगी। तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल है, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।